रहमान रहीम। टुडे वी आर डिस्कसिंग सोशल अकाउंटेबिलिटी इन डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस। हमने बहुत सारी बातें की डिसेंट्रलाइजेशन की, उसके प्रॉज एंड कॉन्स की, गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस की। तो इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सोशल अकाउंटेबिलिटी का। सोशल अकाउंटेबिलिटी का मैं थोड़ा सा आपको जबानी बता दूँ कि जी सोशल अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि जो आपके पब्लिक के जो होते हैं प्रोजेक्ट्स हैं या वो हैं या जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के लिए होती है। तो इसमें ये कहते हैं एनहांसिंग सिटीजन वॉइस एंड क्लाइंट फोकस इन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, कि जो गवर्नेंस में आपको लोग होते हैं और वो जो अपनी सर्विस दे रहे होते हैं ये उसका चेक एंड बैलेंस होता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पावर होल्डर टू अकाउंट फॉर और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। यानी अकाउंटेबिलिटी वही हो गया कि आपको अगर कोई पावर मिली हुई है और आपको उसको एक्साइज कर रहे हैं तो आप जो है उसके इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जो आप एक्शंस परफॉर्म करेंगे और जो आप काम करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी इसी तरह है। अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबल ये होना कि जवाबदेह होना। तो आपको कोई भी पार मिले या कोई भी बहसी, अगर आप देखें कि बीइंग इन पर्सन वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर डीड्स, हमें अपना जो किरदार है और जो हम परफॉर्म करते हैं और जो हम कहते हैं, हमें अपनी चीज़ों की अकाउंटेबल होना है, अपने अपने अमाल का अकाउंटेबल होना। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके पास कोई पार है तो उसमें उसको देखते हुए, अथॉरिटी है उसको देखते हुए अगर आप कोई एक्शंस करते हैं तो आप उसके इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट यूज और मिस यूज ऑफ दैट पावर। तो पावर होल्डर की हम बात करते हैं, होल्डिंग पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और अदर फॉर्म्स ऑफ पावर, फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑफिशियल्स, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, डोनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रेडिशनल लीडर्स एंड एनजीओज। अब पावर होल्डर कौन हो सकते हैं, जो मतलब अथॉरिटी होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? इसमें आपके मतलब पॉलिटिकल पावर आ सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल पावर आ सकती है, अथॉरिटी पावर आ सकती है, पब्लिक ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो पब्लिकली आपका ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, योर डोनर्स हो सकते हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, आपके ट्रेडिशनल लीडर्स हो सकते हैं, आपके मोटिवेशनल लीडर्स हो सकते हैं, इंस्पिरेशनल पर्सन हो सकते हैं, एनजीओज हो सकती हैं जो परफॉर्म कर रही हो। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप को बीइंग अ पार आप उसको यूज करें या कोई भी करेक्टर जिसके पास पावर हो उसे और वो आगे जो परफॉर्म कर रही हो और लोग उसको फॉलो कर रहे हो या देख रहे हो या उसके मतलब उसको ओन कर रहे हो तो उन्हें हम पावर होल्डर्स कहते हैं। तो अब हमारे पास पावर होल्डर में दोनों आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी, इसमें सारी चीजें आती हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो की एरिया इन अकाउंटेबिलिटी ये होता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ये होगी कि जी आपके पास जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेज हैं या प्रोग्राम्स हैं या प्रोसीजर्स हैं या जो आपको पावर्स डेलीगेट की जाती हैं फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंशियल एंड प्रोविंशियल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके जो आपके पास आपकी पावर्स हैं आप उसे एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उनको मतलब जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, टास्क हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो क्लियरेंस है, उसमें क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में आती हैं। आइए कहते हैं अकाउंटेबिलिटी बिल्ड ऑन इम्प्लिसिट सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन एंड पब्लिक ऑफिशियल्स। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन सिटीजन एंड पब्लिक ऑफिशियल्स, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द एंटाइटलमेंट ऑफ सिटीजन। ये वही बात कर रहा है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के साथ। आगे चलते हैं, कहते हैं जी व्हाट आर पब्लिक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर। जी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं किस चीज में रिस्पॉन्सिबल होंगे? अपनी परफॉर्मेंस में, अपने कंडक्ट में, अपनी अथॉरिटीज में, अपनी प्लानिंग में, उसकी एग्जीक्यूशन में और उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड वो कर रहे हैं उसमें। अब इसमें देखते हैं क्या कहता है कि जी देयर कंडक्ट, बिल्कुल वही उनका कंडक्ट, दे मस्ट ओबे द लॉ, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड नॉट अब्यूज देयर पावर्स। यानी कि वो जो भी उनको पावर डेलीगेट की जाती है उसको जो उसका लीगल फ्रेमवर्क है और जो लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं,
उसको वो देखते हुए वो कंडक्ट अपना करे, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करे और अपनी पावर्स को मिसयूज ना करे या रादर अब्यूज ना करे। तो अगर आप अपनी बीइंग अ पब्लिक ऑफिशियल्स, आपका कंडक्ट बेहतर है, कोड ऑफ कंडक्ट जो आपको पावर डेलीगेट की जाती है और उसको आप प्रॉपरली अप्लाई करते हैं विद ऑल द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज विच आर ड्राफ्टेड इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन, और आप उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं और अपनी पावर्स को प्रॉपरली यूज करते हैं, तो ये चीजें आपकी कंडक्ट में आती हैं। उसके बाद ये कहता है कि जी इस अकाउंटेबिलिटी में जो दूसरा फैक्टर आता है पब्लिक ऑफिशियल्स का, वो है उनकी परफॉर्मेंस। दे मस्ट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट इन एन एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड फेयर मैनर। यानी वो जो भी काम कर रहे हो वो अपने इंटरेस्ट में नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हो। यानी जो भी पॉलिसीज क्राफ्ट करें, जो भी प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें, जो भी वो अपना काम करें या ड्यूटी परफॉर्म करें, उसको इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक करें, नॉट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट करें, और उसे इफेक्टिवली करें, एफिशिएंटली करें और इन द फेयर वे करें। अब एफिशिएंट और इफेक्टिव होना क्या है? इफेक्टिव ये जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और एफिशिएंसी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और प्रॉपर कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंट जो है वो आपकी एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद कहता है कि जी ऑल स्टेट्स हैव सम फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म टू प्रमोट और इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक एक्टर्स, कि जितने भी आपके स्टेट इंडिकेटर्स हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं या स्टेट है या जो भी आपका एरिया है, दे हैव सम फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म टू प्रमोट और इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एक्टर्स, कि जो आपकी पब्लिक एक्टर्स हैं, जो फर्ज करें आपका लीगल फ्रेमवर्क है वो ड्राफ्ट कर देंगे या लोग ड्राफ्ट करें या कोई ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए जाएं या कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए जो प्रमोट किया जाए, जिससे आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक एक्टर्स ले सकें। जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो पब्लिकली काम कर रहे हैं, उनकी जाहिर बात है कि जब आप किसी को जज करेंगे तो किसी पैरामीटर पे करेंगे ना, उसका कंडक्ट कैसा है, आपके पास कोई पैरामीटर होगा कि जी ये गुड और बैड है या कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसके इंडिकेटर्स हैं, गुड परफॉर्मेंस है, बैड परफॉर्मेंस है, गुड गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, मिस यूज ऑफ पावर है या नहीं है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट और उसका परफॉर्मेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक ऑफिशियल्स के अंदर। और जब भी हम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की या सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन और गवर्नेंस के हिसाब से, तो कंडक्ट और परफॉर्मेंस का इज ऑफ वेरी हाई वैल्यू। ठीक है जी, आगे चलें। हाउ कैन अकाउंटेबिलिटी बी इंश्योर्ड, कि हम एक अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कि जी जो हम जो अकाउंटेबिलिटी का हमने पैरामीटर बनाया था या जो हमने एक परफॉर्मा बनाया था, ये जो मैकेनिज्म था उनकी परफॉर्मेंस कंडक्ट को एवेल्यूएट करने के लिए, वो कैसे हो सकता है। तो कोई आइडियल सिनेरियो तो इसमें नहीं होता, लेकिन हम कुछ चीजें जो है उनको हम मार्क आउट कर लेते हैं, जिनको हम बेंचमार्क बना के अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रोसीजर्स और पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं, जिससे उनका कंडक्ट और परफॉर्मेंस को हम जांच सकते हैं, उनको एवेल्यूएट कर सकते हैं। 100% तो करेक्ट नहीं होता, लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी जो है एजम्पशन है कि जी अगर हम इन चीजों को एवेल्यूएट करके हम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। जाहिर बात है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना है, तो उसके हिसाब से है कि जी सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बड़े स्ट्रांग होना चाहिए। इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, ऑडिट्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन कौन ड्राफ्ट करता है, ये गवर्निंग बॉडीज करती हैं। वो आपको एक बता देती है कि जी ये आपकी पास आपको डेलीगेट की गई है पावर, ये आपके पास है, आपने इस पैरामीटर के अंदर परफॉर्म करना है और ये आपकी ड्यूटीज असाइंड है। ये उसका आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता है, एडमिन प्रोसीजर्स। फिर उसके बाद ये कि जो भी आप इन द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जो भी आप एक्सपेंस करेंगे, जो भी पॉलिसीज क्राफ्ट करेंगे, जो भी फंड एग्जॉस्ट करेंगे, उसको आप क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट करेंगे। यानी ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि चेक एंड बैलेंस करेंगे, और फिर उसका कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकेंडली बात करता है वो ब्रिंग इन मार्केट प्रिंसिपल, प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टेड आउट द प्राइवेट सेक्टर्स एंड एनजीओस। अब वो ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है, कि अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम है, और उनके पास रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, कि वो उनके पास को किसी प्लानिंग को किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए अगर नहीं है, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाती है। वो क्या करेंगी
कि या तो वो आपको अपना जो वो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो वहां पे पब्लिक ओनर उसको प्राइवेट ओनरशिप दे देगी और उन्हें कहेगी जी हमें आपने रिजल्ट्स देने हैं, हमें आपने ये पैरामीटर्स अचीव करके देने हैं। आप उसे कैसे चलाते हैं, किस तरह करते हैं, ये आप पर है, आप पर है, आप उसके जो भी प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें जिस तरह भी करें हमें वो चीज चाहिए। वो फिर ऐसा करते हैं, वो चीजों को वो जो है प्राइवेटाइज कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स को देते हैं या एनजीओ को दे देते हैं। तीसरा है इंडिपेंडेंट एजेंसीज, कि आप उसको इंडिपेंडेंटली आउट कर देते हैं, जिसमें अबर्समेंट क्या है, चेक एंड बैलेंस का, ये विजिलेंस कमेटीज हैं वो चेक कर सकती हैं कि क्या है, कि आपने जब जो भी किसी की अकाउंटेबिलिटी करनी है तो वो तीन तरह से होती है। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए उससे देख लिया, या आपने थर्ड पार्टी सर्विसेज हायर कर ली जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट आउट्स है, प्राइवेट सेक्टर से एनजीओ है, उन्होंने कहा जी आप बताएं आपके इलाके में काम हुआ आपको कैसे रहा। उसके बाद फिर वो जिस तरह के हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, नैब है, अम्बड्समेंस हैं, विजिलेंस कमेटीज हैं और ये सारी चीजें हैं जो उनको करती हैं, वो सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए होती हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है उसको देखने के लिए। और फिर सोशल अकाउंटेबिलिटी है कि सोसाइटी को उसमें और बाकी उसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर है। तो देयर हैज बीन वेरिंग सक्सेस विद दीज। व्हाट हैज बीन लर्न्ड इज द सक्सेस ऑफन डिपेंड ऑन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जो भी सक्सेस है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और उसमें आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है, हमने बार बार पढ़ा, शुरू में पढ़ा हमने अकाउंटेबिलिटी को। सोशल अकाउंटेबिलिटी ये है, इज एन अप्रोच टूवर्ड्स बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी। कौन सी अकाउंटेबिलिटी? दैट रिलाइज ऑन सिविक एंगेजमेंट, पब्लिक एंगेजमेंट, वेयर ऑर्डिनरी सिटीजन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्जैक्टिंग अकाउंटेबिलिटी। यानी आप जो सोशल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि उसमें आप पब्लिक एंगेजमेंट करते हैं और ऑर्डिनरी सिटीजन और द ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कोई भी बंदा उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है और डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है। सोशल अकाउंटेबिलिटी को SAC भी लिखते हैं। सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कैन बी इनिशिएटेड एंड सपोर्टेड बाय द स्टेट, सिटीजन और बोथ, बट वेरी ऑफन दे आर डिमांड ड्रिवन एंड ऑपरेट फ्रॉम द बॉटम अप। यानी वो इसका मैकेनिज्म बता रहा है कि वो ये जो सोशल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, ये इनिशिएट और सपोर्ट किया जाता है सबसे पहले गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट अलाउ करती है तो होता है, उसके बाद सिटीजन जो आपका सिविक एंगेजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में है, और फिर ये डिमांड ड्रिवन होता है उस एरिया की, और ये टू वे होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, फ्रॉम बॉटम टू अप भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये फ्रॉम बॉटम टू अप होता है। सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंक्लूड्स मेनी एक्शन एंड टूल्स दैट सिटीजन, एनजीओ एंड मीडिया कैन यूज विद पब्लिक अथॉरिटीज टू हेल्प देम अकाउंटेबल। कि ये सारे टूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं जिनसे अकाउंटेबिलिटी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अथॉरिटीज की हो सकती है। ठीक है जी, सोशल अकाउंटेबिलिटी के उसके बारे में कुछ मजीद ये बताता है कि इट सोशल अकाउंटेबिलिटी हैज इंडिपेंडेंट बजट एनालिसिस बाय CSOs थिंक टैंक्स। तो ये इसका जो बजट एनालिसिस होता है सोशल अकाउंटेबिलिटी का, ये थिंक टैंक एक होता है जो उसको ड्राइव करता है और एनालाइज करता है। तो ये सिटीजन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन CSOs जो है वो है, पब्लिक बजट हियरिंग्स जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसको देख रही होती है, सिटीजन ज्यूरीज होती हैं, कमेटियां बना दी जाती हैं लोकल एरिया, लोकल कम्युनिटी को डेवलप करके, ट्रेड एसोसिएशंस को डेवलप करके इश्यूज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। जी हम जो है अगर अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम दो बंदे हम लोग मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, दो बंदे हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं जी मिलके बैठ के ये अकाउंटेबल करें। फिर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो इसको प्रमोट करती है, आपके जो जर्नलिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, बाज़ औक़ात वो 100% सही भी कर रहे होते हैं और बाज़ बाज़ चीज़ों को मैनिपुलेट करके भी इन पब्लिक इंटरेस्ट वो हाईलाइट करके अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। बेसिकली जो सोशल मीडिया है वो आर्ट है टू पब्लिसाइज देयर फॉर देयर ओन सेक्स। तो वो कुछ बाज़ औक़ात नेगेटिव चीज़ों को लेके भी चल रहे होते हैं और बाज़ औक़ात पॉजिटिव चीज़ों को भी लेके चल रहे होते हैं। जो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होता है वो इट इज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव और अफेक्टिव और हेल्दी वो क्रिटिसिज्म होता है। तीसरा कहता है राइट टू सेकंड लास्ट है जी राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट्स और आखिरी है इलेक्शन वॉच।
इंफॉर्मेशन मूवमेंट्स को आप देखते हैं कि ये टू वे प्रोसेस है, सिंगल वे है, डोमिनेंट है या पार्टिसिपेटिव है, और फिर इलेक्शन जो होता है सिलेक्शन तो नहीं है, प्रॉपर इलेक्शन है, प्रॉपर पब्लिक पार्टिसिपेशन से आ रहा है बंदा या वो किसी चैनल से रूट होके आ रहा है, ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। सोशल अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है, वाई? जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात की, हम सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोकलाइज चैनल मेकिंग में आ जाती है। जो अकाउंटेबिलिटी है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में हम ले सकते हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी हम बिल्कुल सिलेक्टिवली हम पब्लिक इंटरेस्ट और उसमें ले जा सकते हैं। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है जी गुड गवर्नेंस, आपकी गवर्नेंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैड गवर्नेंस नहीं होनी, इफेक्टिव होनी चाहिए। उसमें आपकी जो अथॉरिटीज हैं, आपको जो मिली हुई हैं पावर्स मिली हुई हैं उसको ठीक चलाएं, जो टास्क हैं वो आप प्रॉपरली करें, अपनी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें, क्लियर रखें, ऑडिटिंग करें, ट्रांसपेरेंट रखें, फिर ये इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाती है। जाहिर बात है कि जब आपकी गुड गवर्नेंस होगी तो आप एक बड़े स्ट्रीम आप बड़े एक प्रॉपर वे में चल रहे होंगे, आप चीज़ों को लेके पैटर्नाइज करके चल रहे होंगे, एक स्मूथ लाइन में चल रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप एक अगर कंसिस्टेंट एफिशिएंसी दे रहे हैं तो आप इफेक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं। और फिर इसमें जो थर्ड जो मेन पॉइंट आता है वो एम्पावरमेंट है, कि आप लोगों को एम्पावर करते हैं कि जी आए और अपने आपके अंदर अगर लीडरशिप स्किल्स हैं, आपके अंदर अगर डेवलपिंग स्किल्स हैं तो आए, हमें लोगों की ज़रूरत है, हम उनको चलाते हैं और करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसमें सोशल अकाउंटेबिलिटी के अंदर आती हैं। अब ये कहते हैं मेकिंग सर्विस वर्क, जब हम सर्विस वर्क की बात करते हैं टुवर्ड्स पुअर पीपल तो उसमें अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप्स कुछ इस तरह से बताया गया है कि पहले आपकी जो है सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के अंदर जो आपके लोकल कम्युनिटी है पुअर पीपल से, बिल्कुल आप ये देख लें कि आपकी जो लोकल कम्युनिटी आती है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपका लोकल कम्युनिटी बिल्कुल, एंड मतलब हम इसमें एलीट क्लास भी नहीं लेते हैं, हम एक बिल्कुल लोकल जो है लोग लेते हैं, आम लोग लेते हैं, उनसे आप राय लेते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनके कंसर्न्स को डेवलप करते हैं, वो कंसर्न्स आपके लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स या लोकल अफेक्टिव कम्युनिटी लीडर्स उनको वो उनके पास जाती हैं, वो फिर वो आपकी जो है आवाज़ जाती है ऐवानों में जिसको कहते हैं पॉलिसी मेकर्स के पास, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो फिर आगे पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स या अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज, जिसमें वो उस लिमिटेड रिसोर्स में रह के फॉर गुड पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिसी बना सके, वो फिर आके सर्विस प्रोवाइडर्स को दे सकते हैं जो सर्विस को करते हैं, और फिर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर लोकल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी आ जाती है जो एज अ क्लाइंट पावर बीच में आती है, और ये फिर चल के इस तरह के ये फ्रेमवर्क को बना के रिलेशनशिप को ये चला रहे होते हैं, और ये मिक्स एंड मैच सिचुएशन है जिसको हम चला रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। ये हाईली गवर्नमेंटल भी नहीं हो सकता, हाईली पब्लिकल भी नहीं हो सकता। इसके बाद वो कहते हैं जी रिलेटेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। ये क्या है जी, सोशल अकाउंटेबिलिटी के अंदर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी जो है ये आपकी गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती है ये उसके अंदर सोशल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसने एक उसका इंटरलिंक बनाया है, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर्स, डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एंटी करप्शन। ये आपका अकाउंटेबिलिटी का सेक्शन है, इसमें सारी अकाउंटेबिलिटी आ सकती है, ठीक हो गया जी। अकाउंटेबिलिटी ठीक है, और फिर आपकी सिविल सोसाइटी है, ये सारा स्ट्रक्चर जब तक इकट्ठा नहीं होगा हम सोशल अकाउंटेबिलिटी में नहीं ले सकते, हम खाली डेमोक्रेसी आपकी को नहीं ले सकते, आपकी पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट को नहीं इसमें ले सकते, आपके पास आप डेवलप कर रहे हैं चीजें बना रहे हैं, आपके पास फंड नहीं है वो नहीं है, आपके जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर आपके जो राइट्स हैं आपको नहीं पता, आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आपने फिर अपने जो उन चीज़ों को देखते हुए डिसेंट्रलाइज किया है, और जो गवर्नेंस है वो कैसे है, पब्लिक रिफॉर्म्स जो हैं उसको कैसे कर रहे हैं, फिर जो आपके डीड एक्शन हैं एक्शन प्लान्स हैं उनके वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं, उनके अंदर कोई मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं है, फिर उसके बाद रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, ये सारा मिलकर एक सोशल अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं।
इसके बाद कहते हैं जी हम एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट साइकिल को हम कैसे बना लेते हैं कि अगर हम सिविक एंगेजमेंट करते हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेते हैं, उसमें हम एक अगर एक हम ओवरव्यू लें, एक एस्टिमेटेड बजट प्लानिंग करें, तो वो कैसे मतलब मैनेजमेंट साइकिल कैसे बनेगा और उसके एक्सपेंस कैसे होंगे इसमें। ये मल्टी उसमें उसने बनाया है कि उसने मुख्तलिफ देखें कि ब्राजील में क्या है, इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, युगेंडा में क्या है, और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो अच्छी सोसाइटीज की थी उनकी क्या है, उसे फिर अपने हिसाब से कंपेयर कर लिया। यानी आपने क्या किया, अपने आप को लिया, अपने स्ट्रक्चर्स को लिया, जो आप जैसी अदर इकोनॉमीज हैं उनके स्ट्रक्चर्स को दिया कि वो कैसे बजट बनाते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं, जो अच्छे अच्छे हैं उनकी आपने पॉलिसीज को अच्छी अडॉप्ट की, उनकी ग्रोथ इंडिकेटर्स को देखा कि ग्रो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपने उनसे देखा कि बजट कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स वो कैसे अपने मॉनिटर कर रहे हैं और परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया, तो ये सारी चीजें जो है ये कर सकते हैं। और आप ये ऐसे नहीं है कि जब सिविक एंगेजमेंट करते हैं तो आप मुख्तलिफ जगहों से भी लोगों को हायर कर सकते हैं लेके, अगर जो एफिशिएंट है तो उनको करके किए सकते हैं। अब कम्युनिटी स्कोर कार्ड प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो प्रिपरेटरी इसका जो चार्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि प्रिपरेटरी ग्राउंड वर्क आपकी जो इनिशियल वर्किंग है बिल्कुल वो क्या है, फिर उसको आप एक जो आप करना चाहते हैं एक अच्छा आइडिया अगर है, या कोई अच्छा काम गवर्नमेंट करना चाहती है या उस एरिया में डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसमें वो जो ग्राउंड वर्क है वो ओवरव्यू देती है। फिर कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं जिसके अंदर वो आके बताते हैं कि जी ये है, इससे आपको ये फायदा होगा, ये चीज़ होगी या नहीं होगी। फिर उसमें हम देखते हैं कि जी आप स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड लेते हैं और सेल्फ एवेल्यूशन ऑफ हेल्थ स्टाफ लेते हैं या जो भी होता है सेल्फ एवेल्यूशन लेते हैं। फिर आपकी इंटरेक्टिव मीटिंग्स होती हैं, तो जब कम्युनिटी गैदरिंग और ये आपकी सारी एवेल्यूशन परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड से, फिर आपकी इंटरफेस मीटिंग होती है जो आपकी एक क्लोज मीटिंग होती है, आप चीज़ों को समराइज करते हैं। फिर फीडबैक एंड डायलॉग हो रहा होता है कि जी आपने हमें ये बताया था, ये कंसर्न्स थे, अगर इन चीज़ों को हम ऐसे कर लें तो हमारा ये बहुत अच्छा मैच बन के चल सकता है। तो ये फीडबैक एंड डायलॉग में ये होती है। तो उसके बाद जो आपने बनाया होता है प्लान उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें इमीडिएट इंप्रूवमेंट इश्यूज एंड फॉर फॉलोअप है, बेटर सर्विसेज हैं, मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं ना उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जो है अकाउंटेबिलिटी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस। अगर आप अपनी अथॉरिटीज को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं और फिर उसके उसको देख रहे हैं, तो वहाँ बड़ा ज़रूरी होता है कि देखें कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के वो मिस यूज या अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं कर रहा, वहाँ को मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं वो इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अकाउंटेबिलिटी अंदर आती है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम समझते हैं कि हम मेन पिलर्स कहते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकते हैं, उसमें यह है सबसे पहले जी मोबिलाइजिंग आप ग्राउंड रूट एंट्री पॉइंट्स। सबसे पहले यह है कि आप ग्रास रूट लेवल से अगर आप इसको प्रमोट करें तो आप अपने मोबिलाइज करें अपने एंट्री पॉइंट्स को, अपने कम्युनिटी कॉर्प्स को एनेबल करें और उनको देखें कि वहां से आप क्या बेहतरी आप ला सकते हैं या क्या स्ट्रक्चर दे सकते हैं। फिर एविडेंस बेस्ड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और एविडेंसेस कलेक्ट करें, जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे या जो भी आप चीज़ें क्रिएट करेंगे, जो केस स्टडी बनाएंगे वो एविडेंस बेस्ड हो, वो एजम्पशंस पे बेस ना करें। फिर आप उस चीज़ को पब्लिक में लेकर आएंगे, लोगों के सामने लेकर आएंगे, पब्लिक के सामने लेके आएंगे, फिर उसके है उसकी और फिर उसको अपर अथॉरिटीज में ले जाएंगे, फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद सोशल अकाउंटेबिलिटी। जाहिर बात है कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉज एंड कॉन्स से वो बरा नहीं है, उसके को फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, उसके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। तो हम कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो ये सोशल अकाउंटेबिलिटी जो है इट ऑलवेज इम्प्रूव योर गवर्नेंस। जाहरी बात है कि जब आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में जाना पड़ेगा और आपको एफिशिएंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, एफिशिएंसी से इफेक्टिवनेस की तरफ आना पड़ेगा, तो आपकी गवर्नेंस इंप्रूव होगी। जब आपकी गवर्नेंस अच्छी होगी और आप इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक काम करेंगे तो आप पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ भी काम करेंगे, आप सोसाइटी डेवलपमेंट लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर रहे होंगे, आप लोगों की जो आवाज़ है सिटीजन वॉइस एंड एम्पावरमेंट एट माइक्रो लेवल स्पेशली फॉर द पुअर
आप जो लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट के या कम्युनिटी कोऑप्स का जो कॉन्सेप्ट है वहां से जो डेवलप करेंगे आप वहां के लोकल नुमाइंदों को लेंगे, लोकल लोग लेंगे जो इनको एम्पावर करेंगे जी आप काम करें, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी होगी, करप्शन नहीं होगी, मालफाइड इंटेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप पे चेक एंड बैलेंस बहुत है इसलिए आप नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ एंड सोशल और स्ट्रेंथ एंड सोशल कैपिटल, आपका सोशल कैपिटल स्ट्रेंथन होगा, पब्लिक सेक्टर आपका स्ट्रांग होगा, और रिफॉर्म्स इन डिसेंट्रलाइजेशन होगी, आपकी डिसेंट्रलाइजेशन और गवर्नेंस इंप्रूव होगी। अब इसकी साथ साथ कुछ रिस्क भी इसके साथ एसोसिएटेड है, वो रिस्क क्या हो सकते हैं कि जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं तो हम पब्लिक की जो है एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत बड़ी हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते, आपकी जो लोगों की जो अपनी इंटरेस्ट है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, जो कम्युनिटीज की रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको किसी हद तक करीब करीब तक उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी और इंस्टीट्यूशन, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो वीक हैं, हमारी जो ग्रोथ है स्टेगनेंट है, हम सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं दे सकते, हमारे इंस्टीट्यूशन वीक हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि हम नहीं कर सकते, मैकेनिज्म में नॉट रिजल्ट इन सर्विस इंप्रूवमेंट, हमारे जो मैकेनिज्म हैं वो उसमें बहुत भी रूम फॉर डेवलपमेंट बहुत है, उसमें बहुत सारा काम हो सकता है। डेप्थ ऑफ सिटीजन इन्वॉल्वमेंट मे बी सुपरफिशियल, आप बिल्कुल जो पब्लिकली जो अपने नुमाइंदे ला रहे हैं, हो सकता है आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को ऊपर लेकर आ रहे हो और जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इट में इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल बिहेव्ड एनजीओस प्रोफेशनल्स एंड सेंट्रल पॉलिटिशियंस, कि जब आप पब्लिकली लोगों को ला रहे होते सामने तो आप अपनी लाइकिंग डिसाइडिंग से आपको जो भी एनजीओस आपकी होंगी या आपके पास कुछ ग्रूम्ड लोग होंगे या पॉलिटिशियंस होंगे या इलेक्टेड या सिलेक्टेड पीपल होंगे हम उनको ला रहे होंगे, ये रिस्क एसोसिएटेड है हो सकते हैं इसके साथ। अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो वो ये कहता है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी हैज अ पोटेंशियल टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर पावर होल्डर्स टू द नीड ऑफ पीपल स्पेशली दोज विद द लेस वॉइस। तो जब हम सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने शुरू में भी पढ़ा है कि जब आप लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक की बात करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिवनेस, उनकी एफिशिएंसी और जो उन्होंने आगे पावर एग्जीक्यूट की होती है, जो उसमें काम कर रहे होते लोग उनके ऊपर जो है उनका जो उनके पास बड़ा पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए और चेक एंड बैलेंस के लिए और उन लोगों की उस तबके की वॉइस पहुंचाने के लिए उस एरिया जिसपे वो काम कर रहे होते हैं। तो देर इज अ वाइड रेंज ऑफ सेकेंड है जी, देर इज अ वाइड रेंज ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफिक नीड्स पावर एंड रिलेशन power relation and desire for improving service, all sector regions have the same relevant experience. तो जब हम social accountability practicism की बात करते हैं, हम इसको mechanism जो इसको draft करते हैं, उसके अंदर हम चीजें evaluate कर रहे थे कि जो needs जो requirements लोगों की आ रही है और power relation क्या होगा, इसको power जो delegation होगी वो किस तरह होगी, कौन लोग काम करेंगे, कौन authority है, कौन सी किसके पास नहीं है, और फिर improving services जो है उसको कैसे होगा और सारी चीजें कैसे होंगी। तो ईच सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हैव स्पेसिफिक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स विद एडेड बेनिफिट्स एंड रिस्क। तो ये इसके साथ है कि जी इनके साथ सारे रिस्क भी एसोसिएटेड हैं और बेनिफिट्स भी एसोसिएटेड हैं। अगर इनके अंदर कोई बैलेंस अच्छा हो जाए तो हम रिस्क को मिनिमाइज करके हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो दिस वॉज द ऑल ओवरव्यू ऑफ द अकाउंटेबिलिटी एंड स्पेशली द सोशल अकाउंटेबिलिटी इन डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस। Thank you very much.